सब्सक्राइब करिए टेकियासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आप भी मेरी तरह यहाँ पर शाओमी का फ़ोन यूज़ करते हो और आपको यहाँ पर आइकॉन वगैरह एप्पल के डिवाइसेस के अच्छे लगते हैं, iOS 12, 11 के? तो डेफिनेटली मैं आपको आज की स्टूडियो में यहाँ पर छोटी सी दो टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप देख सकते हो वॉलपेपर भी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और आइकॉन थीम वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अपने शाओमी के फ़ोन में एप्पल या आप बोल सकते हो iOS जैसा आपको UI आइकॉन वगैरह देखने को मिलेगा। तो कैसा कुछ आपको यहाँ पर करना है, मैं इजी से स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप Xiaomi का फ़ोन लेते हो या MIUI वाला या Redmi Note 5 Pro या Xiaomi का जो भी डिवाइस जो MIUI रन करता है, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये बिल्कुल भी iOS जैसा तो नहीं लग रहा है। अब आपको क्या कुछ करना है, इजी से स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इजी स्टेप है, बिना रूट के हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ पर अपने थीम स्टोर में, सभी Xiaomi फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंपली आपको जाना है सर्च में, सर्च में जाके आपको iOS ग्लोबल करके यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और आप यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्लोबल iOS लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ पर टैप कर दो और इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई का बटन आएगा, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो। तो आप अप्लाई सिंपली आप दबाओगे तो 2-3 सेकंड में यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा सारा लुक्स एंड फील जो है वो iOS का आ चुका है। आइकॉन्स वगैरह भी आप देखोगे तो काफ़ी आपको iOS जैसे ही देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरा आइकॉन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी एक अच्छा न्यू रिफ्रेशिंग लुक आप देख सकते हो। और नीचे भी अगर आप देखोगे डायलर, मैसेजिंग और आप देख सकते हो म्यूज़िक वगैरह, और यहाँ पर प्ले स्टोर भी आपको ऐप स्टोर जैसा लोगो वगैरह देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी एक बढ़िया लग रहा है। अब बात आ जाती है कि भाई वॉलपेपर कहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि HD क्वालिटी में बहुत ही मुश्किल है कि वो आपको iOS 12 वाला या आप बोल सकते हो iPhone 10X Max जैसा वॉलपेपर चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग प्रीवियस वीडियो में वॉलपेपर देख के पूछ रहे थे भाई कहाँ से डाउनलोड करें, तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है प्ले स्टोर में। आपको यहाँ पर टाइप करना है iPhone 10S वॉलपेपर्स। जैसे ही आप यहाँ पर ये टाइप करोगे तो यहाँ पर ये सबसे पहले आप देख सकते हो टेम्पोरल ऐप्स नाम का ये एप्लीकेशन है, इसको आपको जाना है और इसे इंस्टॉल कर देना है। मैंने इंस्टॉल करके रखा हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर ओपन कर देना है और आपको सारे iPhone 10S Max और iPhone 10S के वॉलपेपर आपको फुल HD और HD रेजोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। देख सकते हो आप पूरे के पूरे वॉलपेपर आपको अच्छे रेजोल्यूशन में आपको जो रखना अपने हिसाब से रख सकते हो। बाकी ये वाला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है तो मैं यहाँ पर इसे रख देता हूँ। आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पर आपको टैप करना है, सेट एस आपको जाना है और बस, और आपको कुछ नहीं करना है, आपका वॉलपेपर सेट हो गया है। अब सिंपली मैंने स्वाइप करा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पूरा जो लुक्स एंड फील है पूरा iPhone 10S Max जैसा आ गया अपने Xiaomi के फ़ोन में, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है। आसान सी टिप्स था, अगर आप Xiaomi का MIUI वाला फ़ोन यूज़ करते हो डेफिनेटली एक बार ये चीज़ को ट्राई करो। मैं खुद पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो मैं सोचा कि ये ट्रिक आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने MIUI के जो थीम स्टोर है उसका फ़ायदा उठा सके। बाकी आपको यहाँ पर ये टिप कैसी लगी मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, और आपको यहाँ पर ये थीम कैसी लगी वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। जैसे होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हो आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।